वैसे प्रीति जिंटा और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नेस वारिया का कनेक्शन भी टूटा ही समझिए। खबर है कि अब इन दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शन ही बचा है, वो भी सिर्फ आईपीएल की वजह से। लेकिन लगता है प्रीति जिंटा हैज मूव्ड ऑन, क्योंकि मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुताबिक नेस से अलग होने के बाद जल्द ही उनका भी क्रॉस कनेक्शन हो गया है होटेलिया विक्रम छटवाल से। प्रीति जिंटा का भी हो गया है क्रॉस कनेक्शन। जी हाँ, ये क्रॉस कनेक्शन नेस वारिया की बजाय हो गया है होटेलियर विक्रम चटवाल के साथ। ये कहना है मुंबई के लीडिंग अखबार मुंबई मिरर का। मुंबई मिरर के मुताबिक हाल ही में हुए लैक्मे फैशन वीक के दौरान प्रीति सबसे ज्यादा विक्रम चटवाल को चीयर करती नजर आई उनके शो माई मुंबई के दौरान। इतना ही नहीं, इस अखबार के मुताबिक इस शो के बाद जो पार्टी हुई उसमें ज्यादातर टाइम प्रीति ने विक्रम के साथ ही बिताया। अखबार के मुताबिक प्रीति का कनेक्शन विक्रम के साथ इसलिए भी हो गया है क्योंकि नेस वारिया के साथ इनका कनेक्शन टूटता जा रहा है। अखबार ने तो ये तक कहा है कि प्रीति और नेस अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और अपनी आईपीएल टीम की खातिर वो एक साथ पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों के रिश्ते में काफी खटास आ चुकी है और यही वजह है कि प्रीति आजकल विक्रम में एक दोस्त ढूंढ रही है। इतना ही नहीं, अखबार के मुताबिक जहां प्रीति और नेस के रिश्तों में खटास आ रही है, वहीं विक्रम अपनी पत्नी प्रिया से दूर रह रहे हैं। उनकी पत्नी प्रिया उनके साथ रहने की बजाय दिल्ली में रह रही हैं और यही वजह है कि इन दिनों प्रीति और विक्रम के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। आखिर कितनी सच्चाई है इस खबर में, ये जानने के लिए जब हमने प्रीति से बात की तो प्रीति ने इस खबर को साफ झुठला दिया। क्या वाकई में प्रीति और विक्रम का क्रॉस कनेक्शन हो गया है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्रीति जिंटा के इस क्रॉस कनेक्शन की सच्चाई जानते हैं खुद प्रीति से। प्रीति, ये बताइए कि आज के जो अखबार में जो खबर आई है आपके और नेस के रिलेशनशिप के बारे में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वेल, मैं यही कहना चाहूंगी कि एवरी टाइम मैं कंट्री से बाहर होती हूँ कोई स्टूपिड खबर आ जाती है और उसके बाद मेरे को अपना पूरा टाइम, एफर्ट और एनर्जी ये बताने को टाइम वेस्ट करना पड़ता है ये कहने को कि ये एकदम ही बेसलेस और स्टूपिड है। तो जब आज सुबह आपने इस खबर को पढ़ा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आज तक मेरे साथ जब भी कोई मेरे बारे में कोई न्यूज होती है, कोई भी जर्नलिस्ट, मुझे मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ। मेरी पब्लिसिस्ट भी है रोहिणी, कभी भी आप उन्हें फोन कर दीजिए, देयर इज ऑलवेज अ रिप्लाई। हम हमेशा कमेंट्स देने के लिए तैयार होते हैं या बोलने के लिए तैयार होते हैं ये कहानी सच है या झूठ है। और अभी मैं इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ और सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो चीज है मेरी जिंदगी में मैं उसको सामने आके बोलती हूँ। तो ये ऐसे काइंड ऑफ स्टोरीज निकालने में, किसी की रेपुटेशन खराब करने में, आई डोंट नो लोगों को क्या मजा आता है। प्रीति, लैक्मे फैशन वीक के दौरान आपको विक्रम छटवाल के लिए काफी तालियां बजाते हुए देखा गया था। मैंने तो सबसे ज्यादा चेयर शाहरुख को किया था कोलकाता के शो में, तो फिर उधर तो किसी ने बोला नहीं कि मैंने उन्हें सबसे ज्यादा चेयर किया था। और उस दूसरे लैक्मे फैशन वीक के शो में अर्जुन रामपाल, मेहर रामपाल जो उनकी वाइफ है, राहुल बोस, उज्ज्वला राउत, इतने सारे सेलिब्रिटीज थे जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैंने सबको चेयर किया। और मैंने सबको इसलिए चेयर किया था उस शो में क्योंकि वो मुंबई के लिए शो था। वो ये शो इसलिए वो शो किया गया था ये बोलने के लिए कि मुंबई का स्पिरिट है, मुंबई में आइए, बिजनेस कीजिए और हमें किसी से डर नहीं लगता है और हम अपनी जिंदगी वैसे जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। इसलिए मैं वहां उस शो में लोगों को सपोर्ट करने के लिए गई थी क्योंकि वो मुंबई के लिए शो था। और अगर मुझे किसी के साथ घूमना है या रहना है तो मैं फैशन वीक में नहीं करूंगी। और मैं अपनी लाइफ में काफी ऑनेस्ट हूं, अगर मुझे जिंदगी में किसी के साथ रहना है या बोलना है मैं खुद आके सामने बोलूंगी। मुझे कोई जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है कि स्टूपिड सा आर्टिकल निकालेंगे और वो भी गलत। ये जो खबर है आपके और नेस के ब्रेकअप की, उस बारे में आपका क्या कहना है? दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट मी एंड नेस, और उसके ऊपर आप लोग 6 और स्टोरीज बनाओगे। दिस इज अ रॉन्ग स्टोरी अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड विक्रम, जिसके साथ, जो मेरे साथ फैशन शो में बैठा हुआ था। स्टोरी ये है, तो प्लीज डोंट ब्रिंग इन माय पर्सनल रिलेशनशिप इन दिस। मुझे सिर्फ ये चीज डिस्कस करनी है कि क्या गलत है और क्या सही है। और आप कुछ भी किसी के बारे में गलत नहीं लिख सकते और मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं कोई भी गलत खबर के अगेंस्ट एक्शन लूंगी और चाहे मुझे जितना भी लड़ना हो मैं लड़ूंगी, पर आई विल नॉट स्टैंड फॉर समथिंग लाइक दिस। मैंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में और जहां तक मैं आई हूँ, अपने अपने बलबूते पे आई हूँ, अपनी मेहनत से आई हूँ,
तो कोई भी ऐसा उठ के मेरे 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 कैरेक्टर पे मुझ पे ऐसी उंगली नहीं उठा सकता है, और अगर वो उठाएगा तो फिर उनको मुझसे रिएक्शन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस प्रीति।